हिमाचल फिल्म सिटी द्वारा लगातार तीसरे वर्ष आयोजित किया गया मिसेज इंडिया हिमाचल प्रदेश 2019 का राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाल में पहली बार हमीरपुर जिला की किसी महिला को विजेता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमीरपुर जिला के कलंजड़ी से संबंध रखने वाली पूजा अब सितंबर माह में चेन्नई में होने वाली मिसेज इंडिया फिनाले में भाग लेगी। मिसेज इंडिया हिमाचल बनने के बाद हमीरपुर पहुंची पूजा ने बताया कि 11 जून को सोलन के क्लब महिंदा रिजॉर्ट में मिसेज इंडिया के राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 24 विवाहता महिलाओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि यदि वे मिसेज इंडिया का खिताब जीतती हैं तो मिसेज एशिया इंटरनेशनल में भाग लेने का उन्हें मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से विजेता बनकर जिला का सम्मान दिलाने वाली पूजा कुमारी पहली महिला बन गई हैं। सभी महिलाओं को ताज के साथ साथ सर्टिफिकेट, मोमेंटो और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। पूजा के पति आर्मी में थे, जो एक हादसे का शिकार हो गए और उनका आकस्मिक निधन हो गया। उसके बावजूद ससुराल वालों ने पूजा का साथ दिया और इस इवेंट में जाने का सहयोग किया। पूजा अपनी सास और जेठ के साथ साथ अपनी जीत का श्रेय अपनी माता व पिता को देती है, जिन्होंने हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। 24 वर्षीय पूजा का एक 2 साल का बेटा भी है। गोविंद सागर झील में महिला का शव मिला। कल दिन से महिला अपने घर से गायब हो गई थी। महिला के परिवार वाले दिलीप सिंह, गांव मानवा, जिला बिलासपुर ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी। आज सुबह जैसे ही ग्रामीणों ने शव को पानी में तैरता हुआ देखा तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस दल मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला तथा महिला के शव का पोस्टमार्टम करने के लिए जिला हॉस्पिटल लाया गया। मृत महिला की पहचान सुमना देवी, उम्र 39 साल, गांव मानवा के रूप में हुई है। एसपी बिलासपुर अशोक कुमार ने बताया कि कल शाम को थाना सदर में एक महिला के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसका कि आज सुबह गोविंद सागर झील में शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है। रिवालसर क्षेत्र में पत्रोन के निकट कार खाई में गिरने से मनरेगा सहायक की मौत हो गई। रात को हुए हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर घायल हुआ है, उसे क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में दाखिल करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वल्क क्षेत्र की कोठी गहरी व समलोन पंचायत के मनरेगा सहायक अनिल कुमार व बासु पुत्र बहादुर सिंह पंचायत सचिव दिलीप को छोड़ने कार से उसके गांव पत्रोन गए थे। पंचायत सचिव को घर छोड़ने के बाद मनरेगा सहायक अनिल कुमार व बासु घर लौट रहे थे कि रात करीब 9 बजे पत्रोन से होते समय करीब 4 से 5 किलोमीटर ही निकले थे कि कार खाई में गिर गई। अस्पताल में उपचाराधीन बासु ने बताया कि कार पलटते हुए लुढ़क रही थी, इसी दौरान वह झटके से बाहर गिर गया। इसके बाद वह बेहोश हो गए। सुबह जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को खाई में पाया। शरीर पर गहरे जख्म होने के बावजूद जब उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ दूरी पर क्षतिग्रस्त कार दिखाई दी। वह किसी तरह उठकर कार तक पहुंचा। उसने अनिल को उठाने की कोशिश की लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। साथ लगते गांव के लोगों को सूचित करने के बाद वहां पर ग्रामीण पहुंचे। थोड़ी देर बाद रिवालसर पुलिस चौकी से पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। नेर चौक मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चिकित्सकों ने पेड़ी के दड़बाहन निवासी मनरेगा सहायक अनिल कुमार को मृत घोषित कर दिया। रिवालसर पुलिस चौकी के मुख्य आरक्षी विनोद कुमार ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। रिवालसर पुलिस चौकी के मुख्य आरक्षी विनोद कुमार ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी बलरती राजेश ठाकुर ने बताया कि पत्रोन के निकट कार के खाई में लुढ़कने से मनरेगा सहायक की मौत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है।